अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KNN न्यूज लाइव। मैं फरीदा अनमोल। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 33 पैसे की कमी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए की सतह से नीचे आ गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 202.83 से कम होकर 200.50 रुपए का हो गया। दुआ जहरा की उम्र का तायुन कर लिया गया। दुआ की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। रिपोर्ट आज सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। दुआ जहरा के वालिद ने मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दुआ जहरा के वालिद मेहदी काजमी का वालिदैन की मौजूदगी में दोबारा मेडिकल कराने का मुतालबा और मेडिकल रिपोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त। कहा जारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दुआ जहरा की उम्र से मुतालिक तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। उसकी उम्र 14 साल है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा की उम्र के तायुन के लिए टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। दुआ जहरा का कहना था कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मैं वालदैन के साथ नहीं रहना चाहती। वफाकी वज़ीरे दाखला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान बैठकर बात कर रहे हैं, इंतखाबात अक्टूबर में कराने हैं या आगे ये चीजें हल हो सकती हैं। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के 25 मई के अल्टीमेटम से पहले नून लीग का मौकफ था कि पेट्रोल महंगा करने की बजाय इलेक्शन में चले जाए। इमरान खान की जिद और गैर जमहूरी रवैयों की वजह से इत्तेहादियों ने कहा कि इमरान खान के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और मिसाके मुईशत पर फैसला करें। इन ख्यालात के इजहार उन्होंने प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, इसीलिए मैंने बारहा मैंने कहा फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए बैठें इसके ऊपर एक फैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठें, चाहे एक पार्टी आए अपना वो अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो और फिर आवाम जिसको भी मौका दें वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज ना कर सके। वो जो हमारे जो एक सीक्रेट हमारा एक ट्रस्ट बन जाए उसको कोई चेंज ना कर सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव।